तो आज हम देखेंगे कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे होता है। तो यार दो कंडीशन है, एक है लो ब्लड कैल्शियम लेवल और एक है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा होता है तो सिग्नल मिलता है आपके थायराइड ग्लैंड को, जहां से प्रोड्यूस होता है हार्मोन कैल्सिटोनिन, जिसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को रिड्यूस कर देना। और ये कैसे करता है, कैल्शियम को ब्लड से लेके जाके बोन में डिपॉजिट करा देता है। लेकिन जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो सिग्नल मिलेगा आपके पैराथायराइड ग्लैंड को, जहां से प्रोड्यूस होगा पैराथ हार्मोन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा by taking the calcium from the bone into the blood. Not only that, बच्चो, parathormone hormone can also signal your kidney. Kidney से produce करवाएगा calcitriol और calcitriol act करेगा आपके GI यानी कि gastrointestinal tract पर, और वहां से करवाएगा calcium की reabsorption, again will increase the blood calcium level. Thank you बच्चों।